अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पैसा कमाओ चैनल। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो आपने सबसे पहले प्ले स्टोर को कर लेना है ओपन। जैसे ही प्ले स्टोर ओपन हुआ आपने यहाँ पर सर्च करना है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर को आपने कर लेना है इंस्टॉल। जितनी देर में इंस्टॉल होता है हम इतना समझ लेते हैं कि शटर स्टॉक होता क्या है। बेसिकली शटर स्टॉक पर आप अगर कोई भी फोटो अपलोड करते हैं तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। जैसे आप किचन में जाते हैं, किचन में आपको ओवन पड़ा है, कोई सिलेंडर पड़ा है या कोई फ्रिज पड़ा है, या आप बेडरूम में जाते हैं वहाँ पे कोई गुलदस्ता पड़ा है, कोई परफ्यूम पड़ा है, या आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, गांव में कोई भी मकान बना हुआ है, या आप खेतों में जाते हैं वहाँ से उसकी कोई फ़ोटो खींच लेते हैं, तो आपने करना यह है कि उन सब पिक्चरों को अच्छे से खींच के उनको अच्छे से एडिट करके, एडिट ना भी करो बस अच्छे तरीके से आपने उनको खींचना है, क्लिक करना है और शटरस्टॉक पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही ये अपलोड होता है जैसे आप फेसबुक पर कोई भी तस्वीर अपलोड कर देते हैं, या आप व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस लगा देते हैं, या आप टिकटॉक पे कोई भी चीज़ अपलोड कर देते हैं। इतना ही आसान है जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक। बस यहाँ पर आपने तस्वीर को कर देना है अपलोड। जैसे ही वो किसी को पसंद आएगी और वो उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेगा तो वो उसे पेमेंट चार्ज करेगा, वो भी डॉलर्स में। तो वो उसको डॉलर्स में पेमेंट दे के उससे वो परचेज करेगा और वो सारे के सारे पैसे जो है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आज हम आपको यही सिखाएंगे कि शटरस्टॉक का आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उस पर तस्वीर कैसे अपलोड करनी है। तो आप रहिएगा हमारे साथ। ये देखें इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम आगे आपको जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता चला जाएगा हम आपको बताते चले जाएंगे। ये इंस्टॉल हो चुकी है, आपने इसको कर लेना है ओपन। जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर देखें साइन अप का ऑप्शन आ गया और लॉगिन का। अगर आप पहले से अकाउंट रखते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने जाना है साइन अप पे। हम चलते हैं साइन अप पे। जैसे ही हमने साइन अप को ओपन किया तो यहाँ पर ये हमसे कुछ डिटेल मांग रहा है। यहाँ पर हमने अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद अगला ऑप्शन है डिस्प्ले नेम। हमारा डिस्प्ले के ऊपर जो भी नाम शो होगा वो हमने यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चौधरी। डिस्प्ले नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लगा देनी है और नीचे आपने लगा देना है अपना पासवर्ड। जैसे ही आप उसको ईमेल और पासवर्ड को लगाएंगे तो आपने यहाँ से आई सर्टिफाइड डेट आई एम 18 और ओल्डर यहाँ से कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कर देना है गेट स्टार्टेड। जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड किया तो ये लोडिंग लेगा और नेक्स्ट ऑप्शन पर चला जाएगा। आपने ये जो ईमेल लगाई है उस ईमेल के ऊपर आपके इनबॉक्स में एक मैसेज गया है, आपने अपने इनबॉक्स में जाना है। यहाँ से आपने जीमेल के इनबॉक्स में चले जाना है। जैसे ही हमने अपने मेल को ओपन किया ये देखें शटरस्टॉक का यहाँ पर मैसेज आया हुआ है। हमने यहाँ से इसको कर देना है वेरीफाई, प्लीज क्लिक हेयर टू वेरीफाई यूर ईमेल। यहाँ पर हमने कर देना है क्लिक, तो इसने यहाँ से कर लेना है इसको वेरीफाई। ये देखें ये इसने इसको वेरीफाई कर लिया है और यहाँ पर इसने हमसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, जैसे हमारा कंट्री, एड्रेस, सिटी, स्टेट। कंट्री के अंदर हमने लिख देना है पाकिस्तान। एड्रेस में हमारा जो भी एड्रेस है हमने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लाइन टू में आपका जो भी एड्रेस है आपने वो लिख देना है। सिटी में आपने लिख देना है जो भी आपका सिटी हो, हमारा लाहौर है हमने लाहौर लिख दिया। स्टेट प्रोविंस हमारा पंजाब है, हमने पंजाब लिख देना है। और कोड हमारा यहाँ का जो कोड है वो हमने लिख दिया। आपके इलाके का जो भी जिप कोड हो, पोस्टल कोड हो, अगर आपको नहीं भी मालूम तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना लिख देना है फ़ोन नंबर, हमारा पाकिस्तान का 92 होता है, और यहाँ से आपने कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आपने कंटिन्यू किया तो ये देखें नेक्स्ट इंटरफेस शो हो गया, तो आपने यहाँ से कर देना है स्टार्ट हेयर। बस इतना सा काम था। यहाँ से आपने गैलरी में जाना है, अलाउ करना है। यहाँ पर देखिए आपकी गैलरी ओपन हो गई है। आपने जो भी फोटो ले रखी है, जो आपको लगती है कि ये मेरी पिक्चर वायरल हो सकती है, जैसे हमने ये आइसक्रीम की पिक्चर बना रखी है, हमने इसको कर लेना है क्लिक। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हम इसको करने लगे हैं अपलोड, और ये देखें आपके सामने हो रही है अपलोड। बिल्कुल सिंपल वैसी है जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे है। ये देखें ये अपलोड हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि प्लीज़ इंटर अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देना है कि ये आइसक्रीम है, और पूछ रहा है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में भी हमने यहाँ पर लिख देना है कि आइसक्रीम है, कौन सी भी आइसक्रीम उसका नाम लिख देना है।
हम आपको लिख के भी दिखा देते हैं। ये आपने यहाँ पर लिख देना है डिस्क्रिप्शन। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही कि आपने डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है, तो आपने गूगल पे जाना है, चैट जीपीटी को ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है आइसक्रीम डिस्क्रिप्शन फॉर शटरस्टॉक, तो वो आपको लिख के दे देगा। और आपने यहाँ पर लाकर वहाँ से कट करके यहाँ पर कर देना है पेस्ट। फिर आगे कीवर्ड्स की बारी, कीवर्ड्स में आप लिख देते हैं यहाँ पर आइसक्रीम। जैसे ही हमने यहाँ पर आइस क्रीम लिखा, तो ये देखें आइसक्रीम कौन है, आइसक्रीम स्कोप है हमारा, आइसक्रीम है, हमने आइसक्रीम कर देना है। और दूसरे नंबर पे हम आइसक्रीम स्कोप कर देते हैं आइस क्रीम। ये देखें खुद ही ऑप्शन देता चल जाएगा आइसक्रीम कौन है, हमने आइसक्रीम कौन कर देना है। यहाँ पर आपने ये कीवर्ड्स कम से कम 7 कीवर्ड्स लिख लेने हैं, आपने यहाँ पर 7 कीवर्ड्स लिख लेने हैं। हमने यहाँ पर 7 कीवर्ड्स लिख लिए हैं, और इसको लिखने के बाद आपने यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद ये सब कुछ एडिशनल है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। कैटेगरी में लिख देना है आपने, कैटेगरी में आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना फूड एंड ड्रिंक। फूड इसलिए क्योंकि ये खाने की चीज़ है, तो आपने फूड पर यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करके तो आपने यहाँ से कर देना है इसको डन। डन करने के बाद आपने यहाँ से कर लेना है सेव। जैसे ही आपने सेव किया तो ये देखें ये हमारी अपलोड हो चुकी है। ये देखें जैसे हमने अपलोड की, कितना इजी था ये। आपने भी ऐसे ही कर देनी है अपलोड। कोई भी तस्वीर आपकी, एक भी तस्वीर अगर किसी को पसंद आ गई और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई, तो आपके अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने ये काम लाजमी करना है। एप्लीकेशन का नाम जहन में रख लेना है शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर। अगेन मैं आपको नाम बता रहा हूँ शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर। ये उसके एंड में तस्वीर है, यही आपने डाउनलोड करनी है। और एंड में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जो भी तस्वीर अपलोड करनी है वो 4 MB से कम नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपने तस्वीर अपलोड करनी है वो 4 MB से कम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।